अस्सलाम वालेकुम। फेडरल पब्लिक सर्विस मिशन की तरफ से फीमेल के लिए एज ए लेक्चरर टीचर बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। जॉब की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिलती रहे। सबसे पहले आप जॉइंट एप्लीकेशन और एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और क्लिक ऑनलाइन अप्लाई पर भी क्लिक कर लेंगे। अगर आपका सर्वर बिजी है और एडवर्टाइजमेंट ओपन नहीं हो रही तो आप ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करके सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट दी गई है मेडिकल फैसिलिटी डिपार्टमेंट जो है एयरपोर्ट 21 है, पीपीएस 17। जॉब ड्यूटीज दी गई हैं साफ स्टेज परमानेंट है और बहुत मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो 28 साल है और अपर एज लिमिट जो है 5 PhD एज रजिस्ट्रेशन दी गई है। MBBS होना चाहिए, पंजाब में 2 चाहिए, सिंध में 1 चाहिए। इसके बाद जो अगली पोस्ट दी गई है डेंटिस्ट्री, ये एयरपोर्ट 24 के अंदर चाहिए, पीपीएस 17। जॉब ड्यूटीज दी गई हैं, स्टेटस परमानेंट है, बहुत मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये जो 22 और 30 साल के दरमियान चाहिए। 5 PhD जनरल रजिस्ट्रेशन दी गई है। BDS के बाद आपका PMDC से रजिस्टर होना चाहिए, 1 ईयर का जॉब हाउस एक्सपीरियंस होना चाहिए, पंजाब के अंदर 8 चाहिए। इसके बाद जल्दी पोस्ट दी गई है असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोर, ये डिपार्टमेंट है स्टोर एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवे, PPS 17। जॉब ड्यूटी दी गई हैं, स्टेटस टेम्परेरी है और जेंडर जो है मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 22 उम्र जो है आपकी 22 और 28 साल के दरमियान होनी चाहिए, 5 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, BST डिग्री होनी चाहिए, सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्यूनिकेशन मैकेनिकल और PSC से रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास। मेरिट बेस्ड पंजाब के दूसरे सिंध के अंदर रूरल रेट चाहिए और अंदर 8 चाहिए, बलोचिस्तान के अंदर 8 चाहिए। इसके बाद जो डिपोजिट डी है वो इंस्पेक्टर की है, ये जो डिपार्टमेंट है एंटी नॉर्टस फोर्सेस, BPS 16 और ये जॉब डिटेल दी गई है, स्टेटस परमानेंट है और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी उम्र है 20 और 28 साल के दरमियान चाहिए और 5 ईयर की जनरलाइजेशन दी गई है और बैचलर डिग्री होनी चाहिए सी डिग्री के साथ और 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरिट पेड से पंजाब के अंदर 8 चाहिए, सिंध रूरल 2, सिंध रूरल 1 और 2 चाहिए, बलोचिस्तान के अंदर और फाटक के अंदर 8 चाहिए। इसके बाद जो पोस्ट दी गई है वो है बेटर सिटी, डिपार्टमेंट है डिफेंस का और ये इंस्टीट्यूट हैं आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज। ये BPS 16 है और जॉब डिटेल दी गई है, स्टेटस परमानेंट है, बहुत मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और जो आपकी एज है 20 और 28 साल दरमियान चाहिए और 5 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन दी गई है और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, डिप्लोमा के अंदर HEC से रिकनाइज, 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए बेटर के अंदर इंस्टीट्यूट जरिए, पंजाब के अंदर 8 चाहिए। इसके बाद जो पोस्ट दी गई है जर्नलिस्ट स्टाफ ऑफिसर, डिपार्टमेंट जो दी गया है इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमर्जिंग, BPS 19 का है और ये ड्यूटी दी गई है, जॉब स्टेटस परमानेंट है, बहुत मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है आपकी 32-40 साल के दरमियान होनी चाहिए, 5 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन दी गई है और MBBS आपके पास होना चाहिए PNDC से, उसके बाद आप FCPS होना चाहिए रेडियोलॉजी में ओवर इक्विवेलेंट और 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, पंजाब के अंदर 8 चाहिए। इसके बाद जो डिपोज दी गई है जनरल स्टाफ ऑफिसर G1, ये जो डिपार्टमेंट है ये भी डिफेंस स्टेट द्वारा है, सिटी स्टैंड डिपार्टमेंट आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमर्जिंग, ये भी BPS 19 का है, स्टेटस जो है परमानेंट है, ड्यूटी चेक कर सकते हैं, एज लिमिट 32-40 साल होना चाहिए, 5 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन दी गई है और MAPS होना चाहिए, इसके बाद आपने FCPS किया हो रेडियोलॉजी के अंदर और 5-7 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, पंजाब के अंदर 8 चाहिए। इसके बाद जो अगली पोस्ट दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस की मेल के अंदर, जो डिपार्टमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैंट डिवीजन डायरेक्टरेट, BPS 19 के अंदर डिटेल दे सकते हैं, परमानेंट है, ओनली मेल 28, एज जो है आपकी 32-40 साल के दरमियान चाहिए, 5 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अपर एज लिमिट PhD होनी चाहिए और उसके साथ 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपने MPhil किया है तो 10 साल का, अगर BSc हुआ है तो 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सिंध का 8 चाहिए। इसके बाद जो पोस्ट दी गई है सेकेंडरी स्कूल टीचर SSC मेल, ये जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैंट डिवीजन, ये BPS 17 है, जॉब डिटेल दे सकते हैं, स्टेटस जो है परमानेंट है, ओनली मेल सिटीजन और एज जो है 22 और 30 साल के दरमियान चाहिए, 5 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन दी गई है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए या BEd होना चाहिए या MA होना चाहिए, HEC रिकनाइज होना चाहिए, आजाद जुड़े और फाटा रेट चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स मेल, डिपार्टमेंट है कॉलेज डायरेक्टरेट ऑफ द FG एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टेंट्स डिवीजन, BPS 18 डिग्री हैं, परमानेंट है, ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज 25 और 30 साल के दरमियान होना चाहिए और 5 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन दी है,
क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। अगर आपने पीएचडी की हुई है तो आपका 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। और एमएफिल किया हुआ है तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आपका 5 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। इसके बाद जो पोस्ट डिग्री है सिविलियन मेडिकल प्रिपरेशन Grade 3 का और डिफेंस के अंदर डिट्रेट के अंदर चाहिए और BPS 17, जो आप डिटेल देख सकते हैं। स्टेटस जो है परमानेंट चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों चाहिए। एज 22 से 28 साल के दरमियान चाहिए। 5 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन दी गई है अपर एज लिमिट। और MBBS होना चाहिए इक्विवेलेंट PMDC से और ये 1 सीट खाली है। इसके बाद जो पोस्ट दी गई है मेडिकल फैसिलिटी, ये नोट हो कर लेना चाहिए आपको, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा मिनोरिटी नॉन मुस्लिम कोटा के लिए है। और मेडिकल फीस चाहिए इनको, ये रेलवे मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान रेलवे बोर्ड के अंदर। ये डेट जो है BPS 17 है, जहाँ आप देख सकते हैं। स्टेटस जो है टेम्परेरी है। एजिबिलिटी बोथ मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज 28 है प्लस 5 ईयर्स जनरेशन दी गई है। MBBS होना चाहिए और टूडेंट PMDC से और ये भी 1 सीट खाली है। इसके बाद जो पोस्ट दी गई है वो डिप्टी डायरेक्टर की दी गई है, ये भी नोट कर लेना चाहिए आपको। ये नोट जो दिए गए हैं टोटल चाहिए सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर, ये सीट खाली है। जॉब टाइटल है डिप्टी डायरेक्टर और फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है BPS 18 के अंदर। जॉब टाइटल दी गई है, आप चेक कर सकते हैं, परमानेंट है। बहुत मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो दी है 25 से 35 साल के दरमियान और 5 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन दी गई है। और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपने दिए गया है, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट के अंदर रिलेटिव। और BPS 17 के ऊपर भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और BPS 17 के ऊपर है 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। आइए जाते हैं मेन जॉब के ऊपर, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में फीमेल लेक्चरर बहुत ज़्यादा तादाद में अनाउंस की गई है। सबसे पहले जो लेक्चरर अनाउंस की गई है फीमेल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, पास्ट स्टडी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी। सबसे पहले मैं लेक्चरर बायोलॉजी को ओपन कर लेता हूँ। ये देखेंगे डोमिसाइल वही डेट है जो नीचे मेंशन कर दिए हैं कौन सी तिथि तादाद में रिक्वायर्ड हैं। ये लेक्चरर फीमेल बायोलॉजी है, फेडरल एजुकेशन एंड पर्सनल ट्रेनिंग इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स, फीमेल डायरेक्टरेट, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ये जितने भी लेक्चरर फीमेल अनाउंस की गई हैं ये सारी इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में अपॉइंटमेंट की जाएगी। ग्रेड जो है BPS 17 होगा, BPS 17। जॉब डिटेल दी गई है, स्टेटस भी दिया गया है टेम्परेरी है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर परमानेंट किया जाएगा। जो ओनली फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 22 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए और 5 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन दी गई है। और सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेटिव सब्जेक्ट के अंदर। ये वही डिटेल दी गई है जो ऊपर नजर आ रही है आपको। मेरिट पे 4 चाहिए, पंजाब में 28 और सिंध में 6 और सिंध में 4, खैबर पख्तूनख्वा में 7, बलूचिस्तान में 4 और गिलगित-बल्तिस्तान में 8, आज़ाद कश्मीर में 3 और फाटा के अंदर 2। ये जितने भी पोस्ट हैं पंजाब के अंदर 28 चाहिए, बहुत बड़ी तादाद। जल्दी से इसमें अप्लाई करें। इसके बाद मैं नीचे एक और खोल लेता हूँ कंप्यूटर साइंस की। ये देखें, ये भी वही है इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन BPS 17 दी गई है। स्टेटस भी दी गया है टेम्परेरी है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, इसके बाद परमानेंट किया जाएगा। ओनली फीमेल कैंडिडेट और ये जो है 22 और 28 साल दोनों 5 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन दी गई है। और मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेटिव सब्जेक्ट के अंदर, यानी पंजाब में 28। ये जितने भी पोस्ट हैं इन सब के अंदर मेरिट पर 4 चाहिए, पंजाब में 28, सिंध में 6, सिंध रूरल में 4, राजस्थान में 7, बलूचिस्तान में 4, गिलगित-बल्तिस्तान में 8, आज़ाद कश्मीर 13, फेडरल के अंदर 2 चाहिए। ये देखें पार्ट स्टडी मैथमेटिक्स खोल लेते हैं। ये देखें, ये भी टॉलेज भी वही है, सारी डिटेल वही है, सारी रिक्वायरमेंट भी वही है। पंजाब 28 बिल्कुल वही सेम चीज़ है, आप चेक कर सकते हैं। ये फिजिक्स का, ये भी सारी वही डिटेल है और पंजाब 28। आई जी सबसे लास्ट पोस्ट के अंदर, जो सबसे लास्ट पोस्ट ये कंप्यूटर ऑपरेटर है और जो डिपार्टमेंट है नेशनल हाईवे में मोटर पुलिस्ट है, BPS 16, ओपन मेरिट है। और जॉब डिटेल दी गई है, जॉब स्टेटस टेम्परेरी होगा, उसके बाद परमानेंट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बहुत मेल है फीमेल दोनों है और एज जो है 20 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। 5 ईयर जनरल रजिस्ट्रेशन दी गई है। ग्रेड सी में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पंजाब सिंध के अंदर 8, पंजाब के अंदर 3, हैवसनल 8 और फटा के अंदर 8 होगी। उम्मीद करता हूँ आज आपको जॉब पसंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होटल ऑफिस।